हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम सब घर में हो, ठीक हो ना? आज मैं फिर से चलाया कक्षा LKG में हिंदी का पाठ, यानी अक्षर परिचय को लेकर। चलो अब शुरू करते हैं। अगले दिन मैंने तुमको क्या सिखाया था? डा एंड ढ। आज फिर एक बार चलो देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो ये क्या है? डा। इसका नाम क्या है? डा। कैसे है देखो, अगले दिन मैंने तुमको बोल दिया था ऐसे स्लीपिंग करके, स्टैंडिंग करके, कर्व करके ऐसे घुमा देना। तो ये क्या हो गया? ड। ड से क्या होती है? डमरू, जो सिर्फ ठाकुरेर हाथे एक ढाके एरम भावे बाजाय। ड से डमरू, ड से डाकिया। डाकिया का मतलब आमादे जखन केउ दूरे थाके, आमादे काछेर मानुष बा आमादे बाड़ीर केउ, तखन आमरा तादेर काछे की करी? चिठी दिए तादेर सम्पर्के खबर नी। सेई चिठी आर लिखे आमरा कोथाय दिए आसि? पोस्ट अफिसे। सेई पोस्ट अफिस थेके की हय? डाकिया एसे बा पियन जाके बला हय, से चिठी एक जायगार चिठी आरेक जायगाय पौंछे दाय, ताके कि बला हय? डाकिया। हिंदीते ताके कि बला हय? डाकिया, जे चिठी पौंछे दाय। हय ड से क्या? डाकिया बला हय। ड से डाकिया, ड से क्या? डमरू। ड से डब्बा, ड से दलिया। ड से डमरू, ड से डाकिया। ड से डब्बा, ड से डलिया। ये क्या है? ढ। ढ से क्या? ढोलक। ढ से ढक्कन। ढ से ढपली। ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन, ढ से ढपली और ढाल। ढपली एक तो बाजना, ढक्कन माने चापा, कोनो किचु जगह ढाका देवा है। ढपली एटा एक तो बाजना, एटा ढाल माने जखन युद्धेर समय एटा व्यवहार करा है, जाते আরেক যা যুদ্ধ যখন দুজনের মধ্যে হয়, তো যখন কেউ তাকে মারতে না পারে, এটা হাতের সামনে রেখে নিয়ে যুদ্ধ করা হয়। তো ঢাসে কেয়া হয়ে গেল? ঢোলক। ঢাসে ঢাক্কান। ঢাসে ঢাপলি। চলো এবার দেখো, ফিল উইথ কালার্স ডা অ্যান্ড ঢ। ফিল করতে হবে কালার দিয়ে, যেটা তোমাদের খুব ফেভারিট না? চলো আব শুরু করতে। দেখো যেই কালারটা তোমাদের ভালো লাগে, जिस कलर तुमको करना पसंद हो, तुम उस कलर से ये कलर करना, ठीक है बच्चे? ये क्या, कौन सा कलर है ये? ये ग्रीन। ग्रीन को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हो? हरा। ग्रीन को हिंदी में कहते हैं क्या? हरा। धीरे धीरे कलर करना, जो भी कलर तुमको करना मन चाहे तुम उसमें रंग भर देना, ठीक है बच्चे? धीरे धीरे करना। ये क्या कलर है? ऑरेंज। मुझको भी कलर करना बहुत ही अच्छा लगता है, जानते हो बच्चे? धीरे धीरे करना, ठीक है बच्चे? जो भी कलर तुम चाहो, लाल हो, पीली हो यानी ग्रीन, रेड, येलो, पर्पल, ऑरेंज, जो भी कलर तुम चाहो उस कलर से इसको फिल करना। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो? ढ। अब ढ को कलर करना है। कलर करने से क्या होगा? इसको देखने में बहुत सुंदर हो जाता है।
धीरे धीरे करना बच्चे। तो ये क्या हो गया देखो, बहुत सुंदर सी ड एंड क्या ढ। ओके ड एंड ढ। फिर देखो ये क्या है, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, ऐसे होने का मतलब क्या है, इसकी जो अक्षर यहाँ पर दिया है उसके बाद में कौन सा अक्षर होना चाहिए, और पहले वाला ब्लैंक हो तो इसके आगे कौन सा अक्षर होना चाहिए। तो ड की बाद में कौन सा अक्षर, ढ, ठीक है, और ढ की आगे कौन सा अक्षर, ड, हो गया ना। तो आज यही तक स्टूडेंट, इसे घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ओके बाय।